नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं अलीपुर थाने के बाहर और आज सुबह 6 बजे सोनीपत की तरफ जाते हुए सिंगू बॉर्डर के पास एक इर्टिगा कार का एक्सीडेंट होता है जिसमें 3 लोग सवार होते हैं। बताया जा रहा है कि उस दौरान मौके पर ही पंकज नाम का जो व्यक्ति था उसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई क्योंकि वह गाड़ी चला रहा था। बाकी 2 जो लोग थे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं ये वही इर्टिगा गाड़ी है जिसमें वो लोग सवार थे और मुरथल जो है बताया जा रहा है कि मुरथल परांठे खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज़ होने की वजह से जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होती है और सड़क पर जो है पलट जाती है, जिसको लेकर जो लोग हैं उसमें सवार उनमें से 3 लोगों को गंभीर चोट लगती है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो पंकज नाम का जो शख्स था इसमें जो गाड़ी चला रहा था उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तीनों के तीनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अपने परिवार के साथ दिल्ली के वज़ीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में अपना परिवार जो है रखकर अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन आज सुबह सड़क हादसे में पंकज की मौत हो गई है जबकि दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो 2 लोग हैं और उनकी पहचान गोलू व मनीष के रूप में हुई है। मोहम्मद कयूम, क्या था पूरा मामला? मैं उधर मेरे को थाने से कॉल गया, तभी तो मैं गया वहाँ गाड़ी उठाने, तो देखा ये गाड़ी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो रखा था सिंधु बॉर्डर पे, फिर इधर खून वून भी लगा हुआ है, बंदा हॉस्पिटल पहुँच गया जी। कितने? तीनों शादीशुदा हैं और जो है दिल्ली पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुरी की बाबू जगजीवन राम अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है। बहरहाल मनीष व गोलू की हालत जो है गंभीर है और उनका उपचार किया जा रहा है। दिल्ली से नितिशयन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।